सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेकी दविंदर में। तो आज की इस सिंपल सी वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने YouTube की हिस्ट्री डिलीट करनी है, मीन्स हमने YouTube पे कौन कौन सी वीडियोस देखी हैं तो वो हिस्ट्री को डिलीट करना है, तो कैसे उस हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। एक तो आप ब्राउज़र पर तो हिस्ट्री क्लियर कर ही लेते हैं, पर अगर आप यूट्यूब में जो वीडियोज़ देखे हैं उनकी हिस्ट्री क्लियर करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट कर सकते हैं अपने पीसी में से, अपने पीसी की मदद से। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने अपनी आईडी लॉगिन कर रखी है, यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ओपन करूँगा। स्टेप्स बिल्कुल सिंपल है, तो इसे रहने देते हैं, इसे खोलते हैं। क्रोम की जगह पे एज खोला है मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा यूट्यूब। जैसे ही मैं यूट्यूब ओपन करूँगा तो ऐसा कुछ पेज हमारे सामने आ जाएगा और यहाँ पर होगा लेफ्ट साइड पर हिस्ट्री। तो आपने हिस्ट्री पर क्लिक करना है तो इसमें जो भी वीडियोज़ हमने देखी होगी उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो बस अभी क्या करना है, तो यहाँ पे हिस्ट्री की टाइप भी आ रही है, कम्युनिटी हिस्ट्री आ रही है और एक होती है वॉच हिस्ट्री। ठीक है, कम्युनिटी हिस्ट्री में आप देख सकते हैं ओपन पोस्ट बाय वी आर स्टूपिड, किस किस की पोस्ट मैंने ओपन करके देखी है जैसे हमें मैसेज आते हैं, और वॉच हिस्ट्री होती है जो हमने वीडियोज़ देखी हुई हैं। तो यहाँ पर अभी पॉज कर सकते हैं हिस्ट्री को, मैनेज में होगा कि हम ऑटो डिलीट सेट कर सकते हैं या हिस्ट्री जो है वो सेव ही ना हो, ऐसे सेटिंग कर सकते हैं। और अगर हम चाहें जो अब की हिस्ट्री है उसे क्लियर करना, तो जस्ट आपने क्या क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है ऑप्शन पे, और यहाँ पे क्लिक करना है क्लियर वॉच हिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ हमने देखी थी वो सारी की सारी अभी लिस्ट क्लियर हो गई है। मीन्स अगर हम अब कोई वीडियो देखेंगे तो उसी वक्त इसमें जो है एडिशन हो जाएगी किसी भी वीडियो की। तो यहाँ पे हम कोई भी वीडियो एक क्लिक कर लेते हैं, सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, एंड सपोज ये रिस्टोरेशन वाली वीडियो है, इस पर हम क्लिक करते हैं। Ayaka shoulders her family's duty to cherish the aspirations of ordinary people. तो वो हिस्ट्री में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने स्किप किया, तो इसे फॉरवर्ड किया। अब मैं इसे यहाँ से ब्राउज़र से बैक करता हूँ, फिर से हिस्ट्री में जाता हूँ, तो यहाँ पे हिस्ट्री में फिर से वही वीडियो आ गई है। तो अभी उसे क्लियर करने के लिए जस्ट क्या करना पड़ेगा, क्लियर वॉच हिस्ट्री पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसे आप बिल्कुल सिंपल स्टेप फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपने यूट्यूब की हिस्ट्री जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।